मणिपुर की घटना को लेकर इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को न्यू समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अलायंस में शामिल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ये सदन तक पहुँचने का काम नहीं कर रहे हैं, यह बड़ा दुख की बात है। और कांग्रेस के अध्यक्ष धनंजय सिंह जी, महालंग सोरेन जी, और जरूरी है इस एकता का परिचय हम लोग 2024 में देने का क्रम। इस घटक दल के सभी नेता, कार्यकर्ता, साथियों के साथ हम में से एक पार्टी, एक संगठन तैयार हुआ है जिसका नाम है तमाम चीजों को ये जो डबल इंजन की सरकार है वो इस्तीफा दे दे, छोड़ दे, उनसे नहीं संभलता। ये जो इस्तीफा के नौटंकी कर रहे थे ये मंत्री गलत है। और देखिए ऐसे भी भाजपा सरकार हारी भी है, समझ लीजिए 2014 में बात करें तो 35% वोट लाकर वो सरकार में थी और 67% जो अलग अलग दल के लोग थे अलग अलग जीते। इसी तरह 19 में भी यही हाल हुआ, 44% अलग अलग दल के ज़्यादा। आज सब एकत्रित हो गए तो बौखलाई हुई है, थर्ड क्लास टाइप का उनका सोच है जो महिलाओं के प्रति। मैं समझता हूँ कि भाजपा के भी जो इंटरनल लोग जो होंगे, जो अच्छे सोच वाले होंगे, भाजपा को इस तरह से दुत्कारती होगी, फटकारती होगी कि महिलाओं के साथ इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आज का ये जो इंडिया अलायंस के तहत हमारा धरना और प्रदर्शन चल रहा था, ये पूरे भारतवर्ष में इंडिया अलायंस के सभी घटक दल सभी जिला मुख्यालयों पर चल रहा था। आप सभी को मालूम है कि मणिपुर पिछले 4 माह से जल रहा है और एक वीडियो जो महिला अस्मिता को दागदार करने वाला, पूरे विश्व में भारत की गरिमा को तारतार करने वाला वीडियो जारी हुआ, वो शर्मनाक तो था ही, उससे भी ज़्यादा शर्मनाक मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। आपको संज्ञान में है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों अपने पद पर बैठे हैं? ये कुर्सी है, कोई तुम्हारा जनाजा नहीं। अगर नहीं चला सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? भारत की छवि खराब की है। भारत जिन चीज़ों को लेकर पूरे विश्व में गौरवान्वित होता था, वे चीज़ें मणिपुर की घटना से धुली हुई हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मणिपुर की सरकार और केंद्र में दिल्ली में बैठी हुई सरकार कुंभकर्णी निद्रा में वहाँ की घटनाओं पर रोक लगाने में सफल है। और साथ ऐसा प्रतीत होता है कि किन्हीं कारणों से राजनीतिक लाभ के लिए केंद्र की सरकार मौन धारण किए हुए है। उनके पुलिस के संरक्षण में पुलिस के सामने महिलाओं को भिड़ने खींचकर महिलाओं को नंग करके सड़कों पर दौड़ाया, ये पूरे विश्व में इस घटना की भर्त्सना हो रही है। और पूरे देश के लोग जो ऐसे तमाम पसंद लोग हैं जो कानून व्यवस्था में भरोसा रखते हैं, भारत के संविधान में भरोसा रखते हैं, उन लोगों ने इस घटना की निंदा की है। और हम लोग आज पूरे देश में सभी जिला मुख्यालय पर इंडिया गठबंधन के तहत इस घटना के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन सौंपा है उपायुक्त कार्यालय में हम लोगों ने। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हम आग्रह करते हैं इस मामले में हस्तक्षेप करें और मणिपुर सरकार को तत्काल बर्खास्त करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं। अगर केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए, क्योंकि देश में जो संवैधानिक ढांचा है वह ध्वस्त हो रही है और पूरे विश्व में छवि खराब हो रही है भारत की। जिन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके ठीक विपरीत देश में ये चल रहा है। और जहाँ भी ऐसी घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं की आज हम लोग निंदा करते हैं और तमाम सरकारें उस पर अंकुश लगावे और खासकर मणिपुर में जो स्थिति है 4 महीने से आग लगा हुआ है उस पर नियंत्रण पाया जाए और तमाम पसंद लोग हैं और लोगों को पुनर्वास किया जाए, लोगों को मुआवजा दिया जाए, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उस पर कठोर कार्रवाई की जाए।